हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है फेस स्पेस। ठीक है, फेस स्पेस जो टॉपिक है ना वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक्चुअल में बेस है, इसलिए मैं आज इस टॉपिक को आपको बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, क्योंकि बिना इस टॉपिक को या इस टॉपिक के कंसेप्ट को बिना समझे हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को नहीं समझ सकते। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको फेस स्पेस आज बहुत ही इजी वे से, डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, जिसकी वजह से आपको फेस स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, वो सब चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि फेस स्पेस का कंसेप्ट क्या है, उसका वॉल्यूम, उसकी डिवीजन कैसे की जाती है, उसका साइज क्या होता है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर, उसमें मतलब ये सभी टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और हम इन सभी टॉपिक को वन बाय वन ये कह सकते हो कि डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज पे आना चाहती हूँ कि जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि जब भी आप किसी टॉपिक को स्टडी कर रहे हो तो पहले ये अपने हमारे माइंड में ही पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम इस टॉपिक को स्टडी कर क्यों रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करते हैं कि फेस स्पेस की अप्रोच जो है वो हमने क्यों अपनी फिजिक्स में इंट्रोड्यूस की। तो आपको पता होगा, नॉर्मली आप दो टाइप के सिस्टम पढ़ते हो, ठीक है, हम स्टडी करते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सिस्टम, नंबर वन स्टैटिक सिस्टम, नंबर टू डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम आपको पता है ऐसा सिस्टम जिसमें मॉलिक्यूल्स या आप जो सिस्टम ले रहे हो ना उसमें जितने भी पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी आप लोगे, दे आर एट रेस्ट। ठीक है, तो मान लो मुझे किसी भी एक पार्टिकल के बारे में बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो ऑब्वियस है आप उसके तीन कोऑर्डिनेट बता दो, एक्स वाई जेड। तो तीन कोऑर्डिनेट बताकर आप उस पार्टिकल की पूरी लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अ स्टैटिक सिस्टम द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द कंप्लीट लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, कि स्टैटिक सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए या लोकेशन बताने के लिए आपको सिर्फ तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बात करो स्टूडेंट्स तो एक्स वाई जेड, और अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो आर थीटा फाई। तो ये कह सकते हो आप कि आपके पास तीन एक्सेस होंगी और आपको किसी भी पार्टिकल के बारे में बताना है तो तीन कोऑर्डिनेट बताओ तो आपको उसकी पूरी लोकेशन मिल जाएगी। गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि स्टैटिक सिस्टम के लिए पोजिशन स्पेस जो कंसेप्ट है वो सफिशियंट है। द थ्री डायमेंशनल स्पेस एज आई हैव मेंशनड बाय ड्रॉइंग हियर इन विच द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय थ्री पोजिशन कोऑर्डिनेट, इट मे बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इट मे बी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उस अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास बात आती है पोजिशन स्पेस की। अब स्टूडेंट, मैंने बात की स्टेटिक सिस्टम की आपके साथ, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखना चाहो, जबकि हम डेली लाइफ में जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम देखते हैं ना स्टूडेंट्स, वो डायनेमिक होते हैं। एक्चुअली डायनेमिक होने का मतलब कि हमने जो सिस्टम लिया है उसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन रैंडम मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर हमें कोई भी पार्टिकल, मान लो मैंने ये पार्टिकल पिक किया, मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, मैंने कह दिया कि एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू टी वन इसकी पोजिशन है 3, 4, 5, एक्स वाई जेड मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए। अब पार्टिकल तो मोशन में है, मैंने कुछ टाइम बाद, मींस मान लो मैंने टी टू टाइम पे उस पार्टिकल को चेक किया, तो जिस टी इज इक्वल टू टी टू टाइम पे जब आप चेक करोगे तो पार्टिकल इन कोऑर्डिनेट्स पे तो होगा ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ तीन पोजिशन कोऑर्डिनेट से सिस्टम की लोकेशन बता सकते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ स्टूडेंट्स कि डायनेमिक सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए या लोकेशन बताने के लिए तीन कोऑर्डिनेट सफिशिएंट नहीं है। गॉट माय पॉइंट?
बट ये हो सकता है ना स्टूडेंट्स कि मान लो मैंने ये कह दिया t इज इक्वल टू t1 टाइम पे उस पार्टिकल की ये लोकेशन है पोजीशन कोऑर्डिनेट की और उसकी वेलोसिटी पता है मुझे x एक्सिस में भी y में भी और z में भी, तब तो काम हो सकता है। मीन्स डायनेमिक सिस्टम में तीन कोऑर्डिनेट सफिशिएंट नहीं है पोजीशन के, उसके अलावा हमें तीन कोऑर्डिनेट और चाहिए तभी हम पार्टिकल की लोकेशन को कंप्लीटली बता सकते हैं। अब आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो तीन कोऑर्डिनेट वेलोसिटी ना लेकर मैं मोमेंटम ले रही हूं, ठीक है। मोमेंटम इज मोर फंडामेंटल। अब मोमेंटम मोर फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो हमारे सिस्टम के ये कह दो कि कॉन्फिगरेशन के साथ जुड़ा होता है। आप जो भी सिस्टम ले रहे हो ना कहीं अगर आप क्वांटम में जाओ तो पी का फॉर्मूला एच कट के भी होता है, ठीक है। तो सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए वेलोसिटी के कंपैरिजन में मोमेंटम बहुत ज्यादा फंडामेंटल है और इसको मैं आपको डेरिवेशन से और एक ये कह दो एक्सपेरिमेंट से भी मैं आपको ये बता सकती हूँ, बट वो हम फिर ज्यादा सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। तो आप यहां पर सिर्फ ये समझिए कि तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट, तीन वेलोसिटी के कंपैरिजन में मैंने तीन मोमेंटम के कोऑर्डिनेट लिए स्टूडेंट्स, ये बताने के लिए कि उसकी लोकेशन कंप्लीटली क्या है। तो हमारे पास छह कोऑर्डिनेट हो गए, गॉट माय पॉइंट, तीन पोजीशन के और तीन मोमेंटम के एक सिंगल पार्टिकल की लोकेशन को बताने के लिए जब हमारा सिस्टम क्या है, डायनेमिक है। तो स्टूडेंट्स मोमेंटम स्पेस में भी हमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए कंप्लीटली डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको भी मैंने सेम जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना पोजीशन बताने के लिए, वैसे ही सेम मोमेंटम में भी तीन एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक पार्टिकल हमारे पास ये पॉइंट होगा और यहां से हम तीनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से उस पार्टिकल के मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करेंगे, गॉट माय पॉइंट। अब स्टूडेंट्स दो चीजें आई हमारे पास, तीन कोऑर्डिनेट पोजीशन के और तीन कोऑर्डिनेट मोमेंटम के, गॉट माय पॉइंट। तो इन दोनों के कंबिनेशन को बोला जाता है फेस स्पेस, द कंबिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज नोन एज फेस स्पेस, गॉट माय पॉइंट। तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आई होगी स्टूडेंट्स कि जब तक सिस्टम रेस्ट पे था तो मैंने सिर्फ पोजीशन स्पेस की बात की, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम डायनेमिक हुआ तो मैंने पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम स्पेस की भी बात की आपके साथ, ठीक है। तो और इन दोनों के कंबिनेशन को हमने क्या बोला, फेस स्पेस। तो यहां से इंपॉर्टेंस आपको साफ क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स कि फेस स्पेस इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज और टू डील विद अ डायनेमिक सिस्टम, कि किसी भी डायनेमिक सिस्टम के साथ डील करने के लिए हमें मोमेंटम स्पेस जो है हमारा वो इनसफिशियंट, सॉरी पोजीशन स्पेस इज इनसफिशियंट, तो हम किसकी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फेस स्पेस की। और आपको पता है स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में आप जितने भी सिस्टम पढ़ रहे हो दे ऑल आर डायनेमिक, तो बिना फेस स्पेस को समझे या बिना फेस स्पेस को इंट्रोड्यूस किए हम उन सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकते। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट ऑफ फेस स्पेस समझ में आ गया होगा कि फेस स्पेस क्या है, एक सिक्स डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तीन डायमेंशन उसकी पोजीशन में रहती हैं और तीन डायमेंशन उसकी मोमेंटम में रहती हैं, और इन तीन और तीन यहां से और तीन यहां से ये जो सिक्स डायमेंशनल स्पेस जो बना इसको हम फेस स्पेस कहते हैं। और जितने भी डायनामिकल सिस्टम हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें फेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको यहाँ पे फेस स्पेस की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी और मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी कि फॉर सॉल्विंग और फॉर डीलिंग विद द डायनामिकल सिस्टम वी कैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फेस स्पेस, ठीक है। फेस स्पेस डायनेमिक सिस्टम के साथ डील करने की एक नई अप्रोच है, गॉट माय पॉइंट। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज पता है कि पोजीशन स्पेस में जब पार्टिकल के तीन कोऑर्डिनेट आपको पता है तो ऑब्वियस है वो पार्टिकल किसी ना किसी रीजन को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, और उस वॉल्यूम को आप कैपिटल वी से डिनोट करोगे, ठीक है। कैपिटल वी से हम डिनोट करेंगे वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस, ठीक है।
और गामा से हम डिनोट करेंगे वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस, क्योंकि मोमेंटम स्पेस में भी हम तीन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट कोई ना कोई रीजन डिसाइड करेंगे और उस रीजन के वॉल्यूम को आप गामा से डिनोट करोगे. गॉट माई पॉइंट? आई रिपीट, वॉल्यूम इन पोजिशन स्पेस इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी एंड द वॉल्यूम इन अ मोमेंटम स्पेस इज डिनोटेड बाई गामा. अब फेस स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, उसको हम टो से डिनोट करेंगे एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वी एंड गामा. ठीक है, वी और गामा दोनों का प्रोडक्ट करके जो आपको वॉल्यूम मिलेगा दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ अ फेस स्पेस. ठीक है, ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट यही है, इसको हम टो से डिनोट करेंगे एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम इन अ पोजिशन स्पेस एंड अ वॉल्यूम इन अ मोमेंटम स्पेस. गॉट माई पॉइंट? अब स्टूडेंट्स, ये चीज तो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि हमारे पास जो रीजन है ना जिसमें पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में है, ठीक है, और हर पार्टिकल की पोजिशन को या लोकेशन को बताने के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट चाहिए. तो अगर n पार्टिकल हैं तो आपको 6 n कोऑर्डिनेट्स चाहिए. गॉट माई पॉइंट? तो ये जो पूरा रीजन होगा इट इज नोन एज फेस स्पेस. ठीक है, मतलब फेस स्पेस आपको बताता है कि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होगी और मोमेंटम की रेंज कहां से लेकर कहां तक होगी. ठीक है, उस पूरे रीजन को बोला जाता है फेस स्पेस. अब हमें जब इतने वास्ट चीज को स्टडी करना हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मली हम फेस स्पेस को डिवाइड करते हैं कंपार्टमेंट्स में. ठीक है, फेस स्पेस इज डिवाइड इंटू कंपार्टमेंट्स एंड कंपार्टमेंट इज डिवाइड इंटू सेल्स. ठीक है, फेस स्पेस को डिवाइड किया जाता है कंपार्टमेंट में और कंपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है सेल्स में. अब फेस स्पेस तो रीजन है एक, ठीक है, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा पोजीशन की रेंज में भी और मोमेंटम की रेंज में भी. जब आप उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करोगे तो कंपार्टमेंट्स जो हम बनाएंगे उनका साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. फिर हम फर्दर कंपार्टमेंट को किस में डिवाइड करेंगे, शेल्स में. और ये ध्यान रखना स्टूडेंट, शेल्स का साइज सेम होगा किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए और वो चेंज नहीं करना आपने. गॉट माय पॉइंट? तो डिवीजन ऑफ फेस स्पेस आपको समझ में आया कि फेस स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, कंपार्टमेंट को शेल्स में डिवाइड किया जाता है. कंपार्टमेंट्स का साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट शेल्स का साइज किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सेम होगा. ठीक है, तो डिवीजन तो हमें समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं साइज की कि हम साइज कैसे निकालेंगे. ठीक है, अब जैसे मैंने ये रीजन बनाया स्टूडेंट्स, ये हम मान लो कि हमारा पूरा फेस स्पेस है, मैंने इसको शेल्स में डिवाइड किया क्योंकि अल्टरनेट तो यही एलिमेंट्री चीज जो हमारे पास बनेगी वो शेल्स होंगे. ठीक है, शेल्स से छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं, मतलब शेल्स से छोटा सेक्शन नहीं बनेगा कोई भी. शेल्स इज एन एलिमेंट्री सेक्शन टू डिवाइड योर फेस स्पेस. गॉट माई पॉइंट? तो अब मैं डिटरमाइन करना चाहती हूं कि साइज होगा क्या शेल्स का, मीन्स मैं शेल्स को कितना छोटा या कितना बड़ा कर सकती हूं. ठीक है, तो आप ये देखो कि आपको अगर आप V की बात करो तो V तीन कोऑर्डिनेट से बना, X, Y, Z. गामा की बात करो तो गामा भी तीन चीजों से बना है, PX, PY, PZ. इसका मतलब हुआ तो 6 चीजों से बना है, X, Y, Z, PX, PY, PZ. ठीक है, तो मान लो मैंने एक इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट्री शेल बनाया, या ये कह दो एक सेक्शन बनाया. ठीक है, ये पूरा रीजन है ना, इसमें मैंने बिल्कुल ही माइन्यूट सा सेक्शन बनाया और ये कह दिया कि उसकी एक्स एक्सिस में पोजीशन है dx, वाई में dy, जेड में dz, उसका मोमेंटम एक्स के अलोंग dpx, वाई के अलोंग dpy और जेड के अलोंग dpz. तो हम ये कह सकते हैं कि उस सेक्शन का या उस शेल का वॉल्यूम कितना होगा, dTO इज इक्वल्स टू dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री शेल. ठीक है,
जो मैंने एलिमेंट्री शेल बनाया है उसका वॉल्यूम ये है। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूला को अगर हम एनालाइज करें ना, तो साइज ऑफ आ शेल का सारा जो एनालिसिस है वो इस फॉर्मूला में है। वो देखो कैसे, अब अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये है क्या, लेंथ इंटू मोमेंटम, लेंथ इंटू मोमेंटम, लेंथ इंटू मोमेंटम। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डायमेंशन को एच लेट कर लिया, एक लेंथ और एक मोमेंटम। तो इसका मतलब डी टू को मैं एच क्यूब लिख सकती हूं, बोलो लिख सकते हैं हम। अब अगर मैं यूनिट एनालिसिस करूं, स्टूडेंट यूनिट एनालिसिस भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है चीजों को स्टडी करने का। तो आप खुद देखो इसके यूनिट क्या है, लेंथ, लेंथ है ना ये, डिस्टेंस है, तो आप इसको लिख सकते हो मीटर। डीपीएक्स क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर आप मोमेंटम देखो तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास मीन्स केजी होंगे उसके यूनिट्स, वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मीन्स आपको मीटर लेना पड़ेगा, ये होगा ना, और टाइम मीन्स डिवाइड बाय सेकेंड। तो यहां पे आपके यूनिट्स क्या बने, केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास एच के यूनिट क्या बने स्टूडेंट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट आपके पास एक एच के बने, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ध्यान हो तो आपके पास जूल के क्या यूनिट होते हैं, जूल जो होता है वो क्या होता है, यही होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है आपके पास जूल के यूनिट। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैं एनालिसिस यूनिट्स का कर रही हूं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, सेकेंड से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड से डिवाइड कर दिया। तो यहां पे ये यूनिट्स क्या बने, एच के, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो ये चीज क्या बन गई स्टूडेंट्स, ये जूल नहीं बन गया, मीन्स एच के यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। गुड माई पॉइंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एच जो है उसके यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। ठीक है, अब इस चीज की इंपॉर्टेंस क्वांटम में बहुत ज्यादा है, क्लासिकल में इतना इसका यूज नहीं है बट क्वांटम में है। मैं यहां पे आपके साथ दोनों में ही डिस्कस कर रही हूं कि एच एक्चुअल में है क्या। तो देखो आपको पता है कि ये चीज आपको बता क्या रही है, ये आपको बता रही है कि एक शेल जो है उसके पोजिशन में क्या क्या पॉइंट्स है, पोजीशन क्या क्या है उसकी, और उसमें मोमेंटम किस रेंज में लाई करेगा। अब उस शेल में अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इनडायरेक्टली पता क्या लग रहा है कि उस पार्टिकल की पोजीशन किस रेंज में है और उसका मोमेंटम किस रेंज में है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि शेल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, इट डिटरमाइन द पोजिशन एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन एनी सिस्टम। गॉट माई पॉइंट, कि हमें उससे ये पता लग रहा है कि किस तरीके से पार्टिकल को एनर्जी और उसकी ये कह सकते हो कि पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बात करो किसी भी पार्टिकल की तो उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम क्लासिकल में हम डिजायर्ड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्लासिकल में हम जिन पार्टिकल या जिन सिस्टम की बात करते हैं उनकी पोजीशन और उनकी उनके मोमेंटम को आप बिल्कुल एक्यूरेटली जितनी एक्यूरेसी से चाहो बता सकते हो। इट मींस एच क्यूब की वैल्यू क्लासिकल में कुछ भी हो सकती है, अगर आप चाहो तो वो डॉट भी हो सकता है, मींस एच टेंड्स टू जीरो, उसका कोई वॉल्यूम ही ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट आप शेल डिफाइन कर दो। तो मैं यहां पर यह कह सकती हूं कि इन अ क्लासिकल फिजिक्स, जब आप क्लासिकल स्टैटिक्स से कंसर्न कर रहे हो उस टाइम पे देर इज नो लिमिट टू चॉइस द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, आप एच को एज स्मॉल एज यू डिजायर कैन टेक, आप जितना छोटा चाहो उतना छोटा उसको ले सकते हो। बट क्वांटम में अगर आपको ध्यान हो तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को आप करेक्टली नहीं बता सकते, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। और आपने ये पढ़ा भी है डीएक्स डीपीएक्स मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच। तो अगर उस अकॉर्डिंग बताया जाए तो तीनों डायरेक्शंस में आप अप्लाई करो, ये चीज आ जाएगी। और डीजेड क्या आएगा, डीपीजेड,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन तीनों को कलेक्टिव करो तो आपके पास ये आएगा कि dx dy dz, dpx dpy dpz must be greater than h cube. Means d tau must be greater than Planck's constant. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ये आप इसको h नोट ले लो चलो, ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड प्लैंक कांस्टेंट होता है ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्वांटम स्टैटिक्स को स्टडी करोगे उस टाइम पे आप किसी भी शेल का वॉल्यूम प्लैंक कांस्टेंट की क्यूब से कम नहीं ले सकते. गॉट माय पॉइंट? तो साइज समझ में आया कि जब आप क्लासिकल को स्टडी कर रहे हो, क्लासिकल अप्रोच किसी सिस्टम पे अप्लाई हो रही है, उस टाइम पे डिवाइड करते टाइम आप सेल का साइज कितना भी छोटा कर सकते हो, लाइक डॉट भी कर सकते हो. बट जब आप क्वांटम की बात करोगे तो उस टाइम पे आप जो शेल्स बनाओगे उन शेल्स का वॉल्यूम आप प्लैंक कांस्टेंट के क्यूब मींस एच क्यूब से लेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये कह सकते हो द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ अ शेल व्हेन यू आर डीलिंग विद अ सिस्टम बाय यूजिंग क्लासिक क्वांटम अप्रोच दैट देन यू कांट रिड्यूस इट एज कंपेयर टू एच क्यूब. ठीक है, तो ये बात की स्टूडेंट्स हमने साइज की, कि फेस स्पेस शेल्स के साइज हमें किस तरीके से रखने हैं. पहले कंसेप्ट, फिर हमने वॉल्यूम की बात की, फिर डिवीजन की, उसको कंपार्टमेंट शेल्स में डिवाइड करते हैं. फिर हमने साइज की बात की कि क्लासिकल में हम उस साइज को कितना भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट क्वांटम में जब हम उसको स्टडी कर रहे होंगे तब हम उसे प्लैंक्स कांस्टेंट के क्यूब से नीचे नहीं कर सकते. ठीक है, फिर बात आती है स्टूडेंट ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर क्या होता है. ये जो स्टूडेंट ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट है ना, ये इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि हम एक शेल में कितने पार्टिकल्स डाल रहे हैं. जैसे पहले हमने फेस स्पेस लिया, फेस स्पेस को हमने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, कंपार्टमेंट को हमने शेल्स में डिवाइड किया. अब जो पार्टिकल्स हैं उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना शेल्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि ईच शेल में जितने भी पार्टिकल होंगे दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर. गॉट माई पॉइंट? आई रिपीट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट शेल इज नोन एज ऑक्यूपेशन इंडेक्स. मान लो आपके पास जीआई शेल्स है, सपोज एनआई पार्टिकल्स है, तो जीआई शेल्स में एनआई पार्टिकल्स आ गए, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि एक शेल में कितने पार्टिकल आ रहे हैं. तो मैंने एक शेल में कितने आएंगे, एनआई बाय डीआई जीआई. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स नंबर. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखना. ठीक है, अब स्टूडेंट साइज तो हमने डिटरमाइन कर दिया, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि फेस स्पेस शेल्स कितने बनेंगे.